लव स्टोरी शुरू हुई वीडियोस को लेकर, हम लोग एक कोलैब के थ्रू मिले थे, आप हमारे क्रश थे, आपने नीतू को पसंद कर लिया, तो अब हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के। मेरे पास अप्रॉक्स 40 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चैनल नहीं, कूड़ादान है, इसका नेगेटिव उठा के उन्होंने कूड़ादान अपना बनाया हुआ है वहाँ पे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं, अच्छा आज की डेट में ये क्रिएटर हाइप पर है, इसके व्यूज आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका नाम यूज करके हम भी व्यूज ले लें। जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी है काफी लोगों ने, काफी फॉलोअर्स ने, जो कि अच्छा नहीं लगता अगर आपको मिलना है और ऐसे बोला जाता है कि हमने ही उनको इनवाइट किया है। हेलो दोस्तों, ये एंटी लाइव व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही खास गेस्ट आए हुए हैं और चलिए आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा अरे यार अब दिखाई देती हूँ। नीतू लखन, हाय एवरीवन। वर्षा थोड़ी देर के बाद ये व्लॉगिंग करें, अभी इंटरव्यू करते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन हाँ मैं आपसे पिक्चर जरूर शेयर करूंगी और इंटरव्यू कैसा हुआ उसका लिंक भी आपसे शेयर करूंगी। सॉरी नीतू, सॉरी लखन, देखिए मैं बहक गई थी क्योंकि आज मेरे साथ ब्लॉगर्स हैं, वर्ल्ड वाइड टॉप 50 में आपका नाम आ चुका है, आपके ब्लॉग्स देखना लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लक्षण अब आपके पास बैठ के मेरे अंदर भी आ रहा है, इसलिए आज मैंने इंटरव्यू की स्टार्ट थोड़ी अलग की है। लगता है इंटरव्यू खत्म होते होते मैं भी एक ब्लॉगर ही बन जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, फिलहाल कारवा कहाँ तक पहुंचा है, कितने मिलियंस लेकर आप बैठे हुए हैं, अगर ओवरऑल यूट्यूब फेसबुक सबकी बात करें तो? ओवरऑल सबकी बात करें तो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से मिला के अपने पास अप्रॉक्स 40 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से हम हटा देते हैं तो अप्रॉक्स वो हो जाता है 11 मिलियन, लाइक इंस्टा हटा के सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब। और टारगेट कहाँ का है? टारगेट स्काई इज द लिमिट, कोई टारगेट सेट ही नहीं किया, बस जितने मिलते जाए कोशिश करेंगे कि जितने एक्सपेक्टेशन होती है उसको लिव अप कर पाए पूरा। लेकिन आपसे पूछूंगी, क्या ये गुड लक की शुरुआत यहाँ पे जो बैठी मोहतरमा है खूबसूरत ही उनसे हुई है? यार ये कहते हैं बिल्कुल नहीं शर्माता मैं, क्योंकि हाँ मैं इन चीजों में मानता हूँ और मेरा गुड लक मेरे साथ ही है। क्योंकि जब से नीतू मिली है मेरी लाइफ का वर्जन 2.0 चल चुका है, लाइक पुराना वाला लखन और है, लेकिन इसके आने से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। That's great. अच्छा शुरुआत से बात करते हैं, कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई? मुझे लगता है ये लखनीत के जितने भी फैंस हैं, जो बेस आपने तैयार किया है, वो जानना चाहते हैं लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। लव स्टोरी शुरू हुई वीडियोस को लेकर, हम लोग एक कोलैब के थ्रू मिले थे। मैं बता रही हूँ ये व्यूअरशिप का चक्कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा ऐसे नहीं बोलना था सामने यार, मैं तो आपसे सीक्रेट शेयर नहीं करूंगा फिर। ओप्स सॉरी, हमसे आप कैसे हुआ था फिर? तो वीडियोस के थ्रू हम लोग मिले थे, बाकी तो लखन को पता ही है। एक्चुअली हम कोलैब के लिए मिले थे, मैंने नीतू को अप्रोच किया कि मैं उस टाइम एक फीमेल लीड ढूंढ रहा था अपनी वीडियोस के लिए, तो मैंने नीतू को अप्रोच करा कि नीतू मुझे मतलब आप एकदम डिसेंट लग रहे हो उस रोल के लिए, तो नीतू ने हाँ बोला, फिर हम लोगों ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, फिर तो जितना सोचा भी था उतना प्यार मिला लोगों का। कितने टाइम तक एक दूसरे को डेट किया एंड देन यू थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड? 3 साल तक हमने डेट किया उसके बाद। तो जब उस वक्त साथ में वीडियो बना रहे थे तो क्या आपके ऑडियंस को पता था कि यू गाइस आर डेटिंग? हाँ, स्टार्टिंग से पता था, हमने कभी कुछ हाइड नहीं किया। हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो हमारी फैमिली ने बोला कि जो है भाई ओपनली रखो, ऐसे नहीं करना कि कुछ छुपाना है और कुछ ऐसे। अच्छा लड़कियों को ना कहीं ये सेंस होता है उनके पास कि उन्हें पता चल जाता है अगर कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है या उन्हें चाहता है। आपको पता था कि लखन का असली इरादा क्या है? नहीं, लखन बहुत मजाकिया है, तो मुझे ऐसा लगता था मजाक ही चल रहा है। मैं जब मुझे प्रपोज भी किया तब भी मुझे लग रहा था मजाक चल रहा है, तो मैं हंस रही थी बहुत तेज तेज, तो लखन फिर एकदम से गुस्सा हो गया कि ओके फाइन अब हमारी दोस्ती खत्म। हाँ? तो कुछ ऐसा था। झूठ बोल रहे हैं? नहीं। हाँ अच्छा, शादी से पहले और शादी के बाद, कहते हैं कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, रिलेशनशिप बदल जाता है मैरिज के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। मुझे लगता है आपकी ब्लॉगिंग लेके ऐसा कुछ महसूस नहीं किया आपने अभी तक? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं अभी भी अपनी फैमिली को आगे लेकर आऊँगी, हमारी फैमिली को, क्योंकि शादी से पहले भी वैसी थी और शादी के बाद भी, मतलब शादी के बाद तो वो और ज़्यादा चेंज हो गए हैं। हमें बोला गया है मेरे इन-लॉज ने कि अपना बेटा काम करो, घर की जिम्मेदारी छोड़ दो, एक बहू का जो रोल होता है वो अभी तुम छोड़ दो, अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी एज अभी काम करने की है, तो ये मत समझना कि तुम्हें अब घर संभालना है, अभी सिर्फ काम करो, है ना। हम लोग चाहे अभी शादी करें चाहे 6 साल बाद करें, कुछ बदलने नहीं वाला था। तो क्या होता है कई बार, आफ्टर ऑल हम रहे इंडिया में ही रहे, तो लोग कई बार मम्मी पापा को कहीं मिल रहे तो पूछ रहे हैं लखन की शादी कब हो रही है नीतू से, वो दोनों पूरा दिन साथ रहते हैं, पूरा दिन वीडियोस बनाते हैं, तो आप शादी क्यों नहीं करें? क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा जल्दी थी,
तो होता क्या था, एक टाइम के बाद ना मुझे भी ऐसा लगा कि अगर ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब कोई और इरादा है नहीं हमारा, आज भी करनी है कल भी करनी है, तो वी फाइनली डिसाइडेड कि ठीक है यार करते हैं शादी करते हैं, और इट्स द परफेक्ट टाइम क्योंकि हम श्योर है एक दूसरे को लेके बिल्कुल, और जब करेंगे तो फिर ये कि और ज़्यादा फ्रीडम से हम अपना काम भी कर पाएंगे, और जो जितना हमारा फोकस है ना सब हमारा काम पे आ जाएगा पूरा। तो कोई सोसाइटी और फैमिली प्रेशर नहीं था, आप दोनों की रजामंदी थी इस डिसीजन को लेकर। जब आप लोग वीडियोस बनाते थे स्टार्टिंग में, तो जो कमेंट्स वहाँ पे आते थे, कभी लखन के आते होंगे, नीतू के आते होंगे, तो कोई जेलेसी फैक्टर कभी होता था कि अगर कोई लड़कियाँ या वाइस वर्सा नीतू के आते थे कि नीतू आई लव यू या लखन आई लव यू, कुछ ऐसा जेलेसी फैक्टर होता था? लखन के लिए मैंने स्टार्टिंग में बहुत सुने थे कि आप हमारे क्रश थे, आपने नीतू को पसंद कर लिया तो अब हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुन के, मैंने लखन को ये बताया नहीं मगर आज तक मुझे अच्छा लगता था, बस वो बात मुझ तक ही है, लखन को आज तक नहीं पता चला। मैं पहली बार सुन रहा हूं, थैंक्स टू दिस शो। लखन के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ मैं बताऊंगा आपको, जिस टाइम हमने ओपन किया अपना रिलेशनशिप, तो उस टाइम मेरे को याद है नीतू के 30,000 फॉलोअर कम हो गए इंस्टाग्राम पे। तो यार मुझे लगा तो नाराज हो जाएगी कि यार मैंने रिलेशनशिप ओपन करा 30,000 कम हो गए, और लेकिन अच्छा ये हुआ कि 30,000 कम हुए और एक हफ्ते में आई गेस 1,00,000 के आसपास गेन किया हमने। क्योंकि फिर क्या होता है ना, लाइक कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं ओके यार मतलब इतना ओपनली वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर जो वो वाले प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना और कुछ वो जुड़ जाते हैं हमारे साथ, और वो जो ऑडियंस है ना हमें शुरू से ऐसी ऑडियंस चाहिए थी। अगर बात करूँ डिफरेंट सोशल मीडिया आप लोग फिलहाल देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कौन सा आप दोनों का फेवरेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्टिव रहना आप लोगों को पसंद है और अपडेट करते रहना अपने फैंस को? मेरा फेवरेट स्नैपचैट। मेरा फेवरेट आई विल रेट यूट्यूब एंड फेसबुक इक्वल, क्योंकि मुझे लाइक वहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। बाकी इंस्टा तो मैं चलाता ही नहीं, मतलब इंस्टा अगर भाई लोग किसी को रिप्लाई आ रहा है तो समझ जाना कौन कर रहा है, कर रही है। क्योंकि इंस्टा मैं बहुत रेयर चलाता हूँ। अगर इंडिविजुअल आप लोगों की बात करूँ, लखन आपसे शुरुआत करते हैं, कभी सोचा था ब्लॉगिंग एक आप फुल टाइम करियर के तौर पर चुनेंगे? वर्षा, ब्लॉगिंग बहुत दूर की बात है, मैंने कभी ये फील्ड भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ and I was playing Ranji Trophy. Wow. तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे टीम मीटिंग्स होते थे मैच के बाद, तो मैच के बाद टीम मीटिंग में ना वीडियो चलाए जाते थे कि जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया उसकी बैटिंग की वीडियो बना के डाल दी वहाँ पे। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपने डेब्यू मैच में परफॉर्म किया, लाइक आई स्कोर 70 odd runs, तो उसके बाद ना टीम मीटिंग में उन्होंने वीडियो क्लिप चलाई और प्लस उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया, तो मैं पूरी टीम के सामने देख रहा हूँ, बड़ा हीरो वाला फील आया, यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये मैं ही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, शॉट्स लगा रहा हूँ, चौके छक्के उसमें पूरी हाइलाइट्स चल रही है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गया मैच के बाद वीडियो एनालिस्ट के पास, मैंने बोला सर मेरे को क्लिप दो ना ये वाली, तो मैंने उसको लिया और मैंने रैंडमली उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, जो वहाँ पे लोगों का प्यार मुझे मिला नेक्स्ट लेवल वाला। कितने व्यूज? आई गेस उस टाइम पे रील्स वगैरह नहीं होती थी, नॉर्मल वीडियो हुई थी एंड इट क्रॉस्ड अराउंड 5,00,000 व्यूज। वाओ। लेकिन फॉलोअर्स एकदम से जंप हो गए वहाँ पे, तो फिर ये जो ट्रेंड शुरू हुआ ये वहाँ से मैंने देखा कि और भी क्रिकेटर्स इस चीज़ को करने लगे, अपने वीडियोस ले लेके वहाँ पे डाल रहे हैं, स्पेशली रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स, क्योंकि इंटरनेशनल को तो वो फुटेजेस नहीं मिलते हैं डालने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वीडियोस वायरल होने लगे, मैं अपने सारे मैच के क्लिप्स लेता और वहाँ डालने लगता। तो एक प्लेटफॉर्म था शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक, तो वहाँ से मेरे को एक ऑफर आया, उन्होंने मैसेज किया कि आप अपने सेम वीडियोस उठा के आप टिकटॉक पे डाल सकते हो। लेकिन जो मेरे दिमाग में टिकटॉक की इमेज थी वो बिल्कुल अलग थी, मैंने कहा यहाँ पे लाइक यहाँ पे डांस होता है, यहाँ पे कॉमेडी होती है, मैंने कहा स्पोर्ट्स मतलब आप सीरियस हो भी या नहीं। तो उन्होंने बोला आप एक बार ट्राई करके देखो, तो मैंने कुछ अपने वीडियोस टिकटॉक पे डाले और इतना प्यार मिला मुझे लोगों का बहुत ज़्यादा। तो फिर सडनली लॉकडाउन लगने लगा, तो उस टाइम पर क्या था, कुछ करने को था नहीं अपने पास, तो आई कॉल नीतू के, नीतू यार आ जाओ कुछ वीडियोज़ बनाते हैं, और एक्ट्रेस भी चाहिए थी मेरे को एक, तो वहाँ से फिर स्विच हुआ ये सारी चीज़। लाइक बिफोर लॉकडाउन आई वॉज अ प्रो क्रिकेटर, लेकिन एज सून एज लॉकडाउन एंडेड मैं सोशल मीडिया क्रिएटर बन चुका था, तो ऑल थैंक्स टू द लॉकडाउन। मैक्सिमम वहाँ पे मुझे लगता है लोगों ने अपनी हुनर जो है वो लॉकडाउन के दौरान ही पहचानी कि यस हम ये भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट कोई नहीं छोड़ सकता मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे जिस पहला प्यार क्रिकेट है, हाँ मुझे जिस भी दिन टाइम मिलता है ना तो मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ। इनफैक्ट मेरे साथ क्या है, लाइक जब मेरा पहला मेरा डेब्यू हुआ ना, तो टीम मीटिंग होती है वहाँ पे, जो डेब्यूटेंट होता है उसको बुलाते हैं, उससे पूछते हैं आप ये गेम क्यों खेल रहे हो,
तो मेरे साथ 4-5 लोगों ने डेब्यू किया, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ पे, सर हमको इंडिया खेलना है इसलिए खेल रहे हैं हम क्रिकेट, और हम 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लास्ट में मेरा नंबर आया, मेरे से पूछा गया आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, मैंने भी बताया सर मैं 4 साल का था तब से खेल रहा हूँ, और मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मेरे को गेम से प्यार है। उन्होंने बोला सच में, मतलब आपको इंडिया नहीं खेलना? मैंने कहा नहीं सर खेलना है, वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में नहीं है, बट मेरा जो एक मेन मोटिव है वो इसलिए क्योंकि आई लव दिस गेम। कल को मैं नहीं भी इंडिया के लिए खेलूंगा ना, मैं तभी भी गेम खेलूंगा, क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया ना 4 साल की उम्र पे, ना मेरे को इंडिया का पता था ना पाकिस्तान का पता था, तो ये प्यार मेरा गेम के लिए था जो शायद मरते दम तक रहेगा, जब तक हाथ पैर चलेंगे मैं खेलता रहूंगा। जरूर नीतू आपकी तरफ आते हैं, पहले से मैं टिकटॉक पे काफी वीडियोस बनाती थी, फिर जब हम लोग मिले तो वो फिर और भी वीडियोस बनती गई बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि लखन के आइडियाज इतने कमाल के होते थे उस टाइम लॉकडाउन में, और बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट हमारे लिए वो फेज बहुत अच्छा था क्योंकि हमें बहुत प्यार मिला, हमें बहुत फेम मिला उस दौरान, तो सब कुछ अच्छा चलता गया और अभी भी अच्छा चल रहा है। आपका क्या सपना था कि बचपन में होती है ना लड़कियां अक्सर अपने आप को मिरर के सामने देखती हैं, इतराती हैं, कहती हैं मैं ये आगे चल के ये बनूंगी वो बनूंगी, अब आपने क्या सोचा था? मैं अभी भी इतराती हूँ अपने आप को देख के और मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, और मुझे ना किसी का, मुझे मतलब हमेशा से था कि मुझे किसी के दबाव में नहीं रहना, मुझे खुद से कुछ करना है, कि मेरे ऊपर ये ना हो, प्रेशर ना हो मेरे ऊपर कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मतलब आप कहना चाहते हो आपको बॉस नहीं चाहिए? हाँ मुझे बॉस नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए मुझे बॉस। तो जब हम लोग मिले तो हम लोग खुद स्क्रिप्ट लिखते थे और हम वो बनाते थे, इवन अभी भी कि हम लोग अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मतलब स्पेशली मैं आनंद भाभी जो हम लोग बनाते हैं सीरीज, तो उसकी स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखती हूँ और फिर हम शूट करते हैं, डायरेक्ट भी मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरा ना बचपन से ये सपना था कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ। अच्छा। जो मैं अब लिख रही हूँ, तो जो जो मैंने सपने देखे ना उसमें से ऑलमोस्ट 8 तो कंप्लीट हो चुके हैं, कि जो जो मैं सोचती थी कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँगी, तो वो अभी भी हो रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैं सोचती थी बचपन से वो मैं कर रही हूँ। तो मॉडल, एक्ट्रेस, व्लॉगिंग के बारे में आपका क्या थॉट प्रोसेस था? व्लॉगिंग मेरा नहीं था, एक्चुअली लखन का था, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप अपनी फैमिली को दिखाओ, और लखन की मॉम हमारी भम्मू जो बहुत फेमस है व्लॉग्स में, उनको लोग बहुत पसंद करने लगे स्टार्टिंग में। वो आई, उन्होंने मुझे एक बारी बहुत डांटा कि मैं थोड़ा, मेरी ना हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज थे, तो लोगों को बहुत पसंद आया कितनी केयरिंग है आपकी मदर इन लॉ। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना हमें व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम डेली नहीं बनाते थे, हम वीकली 1 या 2 पोस्ट करते थे, फिर हमने डेली व्लॉग्स स्टार्ट किए और लोगों को इतने पसंद आए, हमसे ज्यादा लोगों को हमारे मॉम डैड जो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर, उनको देखना पसंद है। गुची को भी, गुची को भी, हाँ। गुची के अलग फैन बेस है। तो वो हमने वहां से फिर स्टार्ट किया, व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो अब मजा आता है कि सब हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हैं, सपोर्ट करते हैं हमें, हमारे साथ रह के चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पहला साथ में कोई वीडियो जो याद हो आपको? फर्स्ट पिक्चर, हाँ याद है मुझे तो याद है, लेकिन तुम्हें याद है? हाँ मेरे को याद है यार, इसने व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था शायद, ये टॉप था ना? हाँ हाँ देखो मेरे को याद है, व्हाइट टॉप ब्लू जीन्स। नहीं नहीं कपड़ों की बात नहीं हो रही, मुझे तुम्हारे कपड़े याद नहीं रहे, वीडियो बताओ। वीडियो भी मेरे को याद है, इसने मेरा पहले वीडियो में ना, इसने मेरे को अंधा बनाया था। हाँ ऐसा क्यों किया अत्याचार? इतना स्मार्ट सा लड़का अंधा? क्योंकि वो वीडियो ना बड़ी, मतलब कॉमेडी वीडियोस बहुत चलती थी उस टाइम के, 2-3 साल पहले, तो मैंने बोला कि भैया तुम एक अंधे बन जाओ और बड़ी हिट जाएगी, और वो वीडियो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी और वो 5 मिलियन क्रॉस गई थी 3 दिन में। तो फिर लखन ने बोला बाप तेरे आइडियाज हम लोग ना लिखेंगे, हम लोग उसको शूट करेंगे तेरे आइडियाज को। तो लखन को उसके बाद ना फिर वीडियोज मेरे आइडिया से चलती गई, फिर जब हम लॉकडाउन में फंसे नहीं जब हम साथ में वीडियोस बना रहे थे। लॉकडाउन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसके बाद आपको बताएंगे, मुझे ये फंसना क्यों कह रही है उसको? नहीं फंसना नहीं, मतलब जब लॉकडाउन में हमने वीडियोस बनाई ना तो सारे लखन के आइडियाज थे सारे, तो बड़ा मजा आता था, और अब लखन को एक आइडिया लखन के दिमाग में नहीं आता, ऐसा क्यों पता नहीं। ऐसा नहीं है एक्चुअली, आइडियाज आते हैं लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है मेरे मुंह पर। अच्छा। बोला था नहीं नहीं ये बेकार आइडिया है, तो मैं कई बार सेल्फ डाउट में आ जाता हूँ कि यार इसी को पसंद नहीं है, ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा, और होता भी कुछ ऐसा है क्योंकि मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, मैं कई बार बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता हूँ किसी कॉन्टेंट में और मैं देखता हूँ डायरेक्ट रिजेक्ट, 10% व्यूज आते हैं उसके। तो मैंने अब हाथ जोड़े हुए, मैं अपना व्लॉगिंग करूंगा, मैं अपने वैसे कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन स्टोरी लाइन में नहीं घुसने वाला अब मैं, उसके लिए नीतू जिंदा भाग है। एक कंटेंट क्रिएटर से मैं पूछूं कि आप लोग किसका कंटेंट देखना पसंद करते हैं? मैं के ड्रामास बहुत देखती हूँ, बहुत ज्यादा, तो मुझे वो बहुत रियल लगते हैं, मतलब उनकी एक्टिंग बहुत रियल होती है, मैं मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड से भी ज्यादा अच्छी वो एक्टिंग करते हैं, तो मुझे उनकी एक्टिंग देखना पसंद है, और अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं उनके वीडियोज देख लेती हूँ, तो मुझे आइडियाज काफी ज्यादा मिल जाते हैं।
मैं अगर मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं या तो बुक पढ़ूंगा कोई, या फिर मैं कोई बॉलीवुड मूवी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पूरे टाइम काम में जब लगे रहते हैं ना, तो उसके बाद जब फ्री टाइम मिल रहा है फिर मैं किसी और को भी देख रहा हूँ ना अगर ब्लॉगिंग करते हुए, तो मुझे अपने ही काम मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। तो जो मेरा फ्री टाइम होता है मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो एंटरटेनमेंट से भरपूर हो, कोई मूवी हो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो, न्यूज़ भी हो, तो मैं वो वैसा कॉन्टेंट कंज्यूम करता हूँ। अच्छा, जिस पड़ाव में आप आ गए हैं, आप ओपनली अपने घर फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों से शेयर करते हैं, कभी मन में डर नहीं होता कि वो ऑडियंस जो है जिसे आप अपना मानते हैं, क्या आगे चलकर कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आप हर्ट हो जाए? ऐसा हुआ है एक्चुअली हमारे साथ कि ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी है काफ़ी लोगों ने, काफ़ी फॉलोअर्स ने, जो कि अच्छा नहीं लगता अगर आपको मिलना है और ऐसे बोला जाता है कि हमने ही उनको इनवाइट किया है, तो वो पर्सनल स्पेस में जब आता है ना कोई तो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगेगा, अगर आपकी भी कोई पर्सनल स्पेस में आ रहा है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत बार ही हुआ है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते उसको लेकर। लखन, मैं बिल्कुल अग्री करूँगा इस चीज़ों से, क्योंकि जो भी चीज़ हम ओपनली ऑन कैमरा दिखा रहे हैं तो उसमें कई बार चीज़ें ऐसी होती है जो जिसको ना, मतलब एक ही चीज़ आधे लोगों के लिए अच्छी हो सकती है और आधे लोगों के लिए बुरी हो सकती है। और ख़ास तौर से ये देखने पे मिलता है अगर हम कुछ अपने रिलीजियस कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो जब भी मैंने नोटिस किया, मैं दिखा रहा हूँ ना, तो 90% लोग हैं जो बहुत उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप ये बैकवर्ड चीज़ें क्यों दिखा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं एज अ इंडिविजुअल किसी के रिलीजन पे, किसी के बिलीव्स पे कमेंट नहीं करता कभी, तो जो मैं कर रहा हूँ आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ओपनली दिखा रहा हूँ। वो सबके घर वही चीज़ें होती हैं, अगर लाइक शादी की हमारी इतनी सारी रस्में हुई तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि आप ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो सब करके, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि उनको टैकल कैसे करें। तो आपने नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बताया, तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो उसका 8 to 9 hours वाला जॉब नहीं होता, 24 घंटे आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ लोग आपको रोस्ट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मेंटल हेल्थ किस तरह से आप उसे टैकल करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को? मैम, मेंटल हेल्थ की बातें बहुत चलती है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा मेरा सारा कंटेंट बहुत अच्छा है मैम, अगर मैं एक बहुत ही आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं ना, हम सबके घरों में ना डेली सफाई होती है, डेली थोड़ी थोड़ी धूल बाहर निकलती है, तो कचरा सबके घरों में से निकलता है, मेरा जो कंटेंट है ना उसमें से भी 10 मिनट का कंटेंट है, तो हो सकता है 10 सेकंड की क्लिप ऐसी हो जो कि लोगों को नहीं पसंद आए, लेकिन वही कचरा सबके घरों का इकट्ठा होकर एक ही जगह रखा हुआ है, तो उसको फिर हम कूड़ादान बोलते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चैनल नहीं हो, कूड़ादान है, इसका नेगेटिव उठा उठा के उन्होंने कूड़ादान अपना बनाया हुआ है वहाँ पे, जिनका काम ही सिर्फ ये है रोस्टिंग करने, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं, अच्छा आज की डेट में ये क्रिएटर हाइप पर है, उसके व्यूज आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका नाम यूज करके हम भी व्यूज ले लें। तो मुझे कई बार उन लोगों से शिकायत है जिनकी कई बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रोस्टिंग हुई है, लाइक अभी हमने देखा एक प्रेग्नेंट लेडी थी, लोगों ने इतने मीन कमेंट्स किए उसको, ऐसे रोस्ट किया, कल को उनका चाइल्ड बड़ा होगा वो भी देखेगा ना आपने मेरे मम्मी पापा के लिए क्या बोला, क्या सिर्फ माँ बाप की नहीं उस चाइल्ड की मेंटल हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या, उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे क्या क्या बोलेंगे, और ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, दे वर जस्ट शोइंग देयर लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई न्यूडिटी दिखा रहे हैं, कुछ कोई बहुत गंदी चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज अ हेल्दी कॉन्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोग के अगेंस्ट में कुछ ऐसा होता है तो ये लोग अपने लीगल राइट्स क्यों भूल जाते हैं, क्यों ये लोग उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये जो रोस्टिंग ग्रुप होता है ना, अगर कोई क्रिएटर इनके अगेंस्ट में खड़ा है फिर ये लोग सारे मिलके आ जाएंगे एक साथ, तो डराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं साइबर बुलिंग, तो जहाँ भी ग्लैमर है, जहाँ भी पैसा है, वहाँ पे बुलीज ज़रूर होता है, लेकिन मैं लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ कि उनके पास भी राइट्स है, ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी आपको कुछ भी गालियाँ बक रहा है वहाँ पे, लाइक आपकी भी एक पर्सनल सेफ्टी, एक पर्सनल स्पेस होती है। तो इन लोगों का क्या कहना होता है कि जस्ट बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, क्योंकि आपका कॉन्टेंट पब्लिक में है, वी आर अलाउड टू मेक दीज रोस्ट, तो कल को अगर मैं पब्लिक में घूम रहा हूँ तो दे आर अलाउड टू किल मी, दैट्स वॉट रॉबर्स एंड दीज थीव्स से, क्योंकि यार ये बंदा स्कूल में घूम रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट राइट व्हाट आई फील। बिल्कुल आपने ये सही बात बताई है। रही बात, एक गुड न्यूज़ भी है आपके पास, जिससे जिसके साथ आपने हाल ही में कोलैब किया है, और आपकी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी गाड़ी आपकी चल चुकी है, एनिमेटा। जी जी, एनिमेटा, उसके बारे में कुछ बताइए।
मैम एनिमेटा एक तरीके से मैं उसको एजेंसी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दे आर आवर पार्टनर्स। और एनिमेटा की खास चीज़ क्या है कि वो डेटा रिसर्च करते हैं सारा। लाइक आज मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, मेरा काम डेटा रिसर्च का नहीं है, क्योंकि उस चीज़ के लिए मुझे फ्री कर रखा है एनिमेटा ने। वो मेरे को पॉइंट्स ला के देंगे कि ओके आपके डेटा से हमें ये पॉइंट्स पता लगे कि आप ये वीडियोज़ बना सकते हो, आपकी ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है और अपनी वीडियो में ये सब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मतलब डेटा एनालिसिस वो लोग करेंगे, आपको अपना वीडियो बनाना जी। ओके रिसर्च भी, प्लस ये लोग क्रिएटर के काम में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक अगर आज मैं क्रिएटर हूँ, मेरे पास कोई एक सपना है मेरा, जिसको कोई मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ या कुछ भी एक्स वाई जी, तो ये लोग वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं और पार्टनरशिप में आ जाता है आपके साथ कि ठीक है वी आर द इन्वेस्टर, यू जस्ट डू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो बहुत सपोर्टिव है। और मैं दूसरे क्रिएटर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी पार्टनरशिप का मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं यार, क्योंकि हर तरीके से लाइक आपका जो जितना भी हेक्टिक शेड्यूल है ना वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज काम सिर्फ 30% रह जाएगा, बाकी सब एनिमेटा ऑलरेडी कर ही रहा है। चलिए, मैंने बहुत सारा आज ज्ञान ले लिया है, मुझे कैसे अपनी वीडियोस को मिलियंस ले जाना है उस पर भी मैंने बात हो गई है। मैं व्लॉगिंग अपनी शुरू करती हूँ, तब तक अपने आप ऑडियंस को बता दीजिए कि ये वीडियो को देखना है, उसे लाइक करना है और सारे चैनल सब्सक्राइब करना है। गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना है, और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली तो इसको आपको पसंद डेफिनेटली आ रही है, कमेंट भी करके जाना यार, हम रिप्लाई करेंगे सबका पर्सनली। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यस।